مردون. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं मसूरी की तरफ। ये दोस्तों सामने ये दिख रहा है आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट, और ये है टिहरी गढ़वाल, और जिसमें हम हैं ये है उत्तरकाशी। तो यहाँ पे तीन तीन डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स मिलते हैं। देखो दोस्तों, आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ सामने का। ये देखो सामने स्नो दिखती हुई। ये दोस्तों देख सकते हैं आप कैंपटी का नज़ारा। ये आ चुके हैं पराठे और साथ में है चटनी, चाय भी आ गई है। कैंपटी आज बंद है संडे के वजह से, एक आध ही होटल खुले हुए हैं। दोस्तों अभी हम हैं मसूरी से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर, और यहाँ के व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सामने व्यूज, स्नो दिख रही है। सामने ये हैं आपके चकराता के पहाड़, वहां कुछ ज्यादा ही स्नो दिख रही है यार गोलू। मजा आ रहा ब्रो, नाइस व्यूज, बर्फ ही बर्फ। क्या आप भी आएंगे इस तरफ? ये देखो गाड़ी उठा ली गई है कैमरे में, बर्फ दिखा दोगी कैमरे में। हम स्टार्ट कर चुके हैं जाओ जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक, साथ में मेरे छोटा भाई। ये देखो दोस्तों नजारा जॉर्ज एवरेस्ट का। दोस्तों वहां पे दिख रहा है देहरादून, कैमरे में साफ दिख नहीं रहा होगा। ये देख सकते हैं व्यूज, अभी यहाँ से ऊपर को जाना हमने। सामने के व्यूज देखिए, ओए भाई वो देख, सर जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पर 1865 में 15 का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, और जो घर आपने देखा वो सन 1832 में बनाया गया है, जो कि अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। जॉर्ज एवरेस्ट तक का सफ़र आपको शुरू करना पड़ेगा मसूरी में लाइब्रेरी चौक से, जो करीब हाथी पाँव से 7 किलोमीटर है, और हाथी पाँव से आपको लगभग 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक पहुँचने के लिए, और वहां से लगभग सेम दूरी आपको तय करनी पड़ेगी पीक तक पहुंचने के लिए। मजे आ गया आज तो। चलो चलो पहले ऊपर चलो, मजे बाद में आएंगे, अभी फुल मजे नहीं आए। बहुत ही टफ रास्ता हाईएस्ट पीक का। इस सामने हिमालयस के व्यूज एक बार फिर से। अब हम लोग जा रहे हैं वापस
नीचे को, दिखाते हैं फिर आपको आगे के नज़ारे भी, कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ के। आयुष कैसा आया, लगा भाई यहाँ तेरे को? बहुत मजा है ब्रो। पीछे देखिए स्नो ही स्नो हो रही है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार प्लेस है यहाँ। टाइम ज़्यादा हो गया, पहुँचना भी है घर। और हमारे आयुष भाई चल रहे हैं साथ साथ सहयात्री। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक रास्ता है। बहुत हो गई दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी, चल जिंदगी तुझे थोड़ा दिन जीते हैं। वाह वाह क्या बात है। मैं गिरूंगा जरूर, देखना। रोहित भाई आगे निकल गया, मुझे पीछे छोड़ चुके हैं। और भैया गाड़ी स्टार्ट करते हुए, काफी ट्रैफिक दिख रहा होगा आपको इधर, जैसे काफी भीड़ है आज। ये रास्ता बहुत खराब हो रखा है, देखिए बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर चलाने में। 12 की स्पीड में जाना पड़ रहा है हमको नीचे। सामने देख सकते हैं हम मसूरी का व्यू। और ये हम निकल चुके हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कैंपटी वापसी में, और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। तो इस ब्लॉग को यहीं कैंपटी फॉल से एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।